तो बेटा लास्ट लेक्चर में देखे थे एप्लीकेशन ऑफ केएसपी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट है। तो केएसपी के एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन हो गए, कौन कौन सा बच्चा लोग कौन कौन सा हो चुका बच्चा एप्लीकेशन में दो हो चुके हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच। वेरी गुड, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना भाई। सेकंड था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएच। तो चलो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the solubility of Ab2 electrolyte in 10 liter if KSP of salt या फिर इलेक्ट्रोलाइट इज इज 4 × 10⁻⁹ - 9 मोल क्यूब लीटर पर लीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है द पीएच ऑफ एसिड एच ए एसिड एसिड इज The pH of HA acid is 3. What is the KSP of HA acid? What is the KSP of HA acid? Question note को solve करो बच्चा लोग जल्दी से। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, क्या पूछा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड तो केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा? Ab2 इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा केएसपी बच्चा लोग? 4s³, यही आया? यस, ठीक है ना। अब क्या दिया केएसपी? केएसपी कितना दिया? 4 × 10⁻¹ माइनस नाइन मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। और नीचे लीटर, जिसको सॉल्व करते हो कितना का 10⁻³ माइनस थ्री मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक मोल में 10⁻³ मोल है। हाँ, 1 लीटर कंटेन 10⁻³ मोल, तो कितना लीटर है भाई? 10 लीटर कंटेन 10⁻⁴ मोल, ये ऐसा आया।
यस सर। कलिष्ठा का क्वेश्चन देख लिया तूने भाई। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पीएच दिया है। पीएच मतलब क्या दिया मालूम है, पीएच इक्वल टू 3 डेट मींस क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जो कि कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 3 यही होगा ना सर। वो वाला आंसर 10 टू द पावर माइनस 2 है शायद आंसर। हां हां 2 होगा सॉरी भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे ना, माइनस 2 होगा। सॉल्यूशन 2 में पीएच कितना है 3, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कितना होगा बच्चा 10 टू द पावर माइनस। अब हमको एच ए एसिड है उसका केस निकाल लेते हैं। जब एच ए एसिड ब्रेक डाउन करोगे, इसका ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, एच प्लस आयन सॉल्युबिलिटी एस। केएसपी कितना है बच्चा, एस स्क्वायर, ठीक है ना। क्या गिवन है हमको, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन मतलब सॉल्युबिलिटी, क्या गिवन है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब एस का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 यही होगा केएसपी। यस सर यही सब आया। यस अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो जल्दी हो गया ना बच्चा नोट, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मतलब एप्लीकेशन, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। तो कल वाले क्वेश्चन थे भैया, एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन नोट करना भाई, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इन आइडेंटिफिकेशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड, in identification of unsaturated super saturated and saturated solution, ठीक है बच्चा लोग। अब कभी सुने क्या saturated unsaturated super saturated का मतलब क्या होता है, तो saturated unsaturated पता है, saturated मतलब सर जो पूरा dissolve हो जाता है सर जिसमें liquid, ऐसा तो उसी बेस पे लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। तो पहला लिख लेते हैं क्या, अनसैचुरेटेड, कभी सबूत बनाया घर में, हाँ सर तब समझ में आ जाएगा, जिन्होंने सबूत बनाया होगा ध्यान दिया होगा टाइम पास अच्छा किया होगा सबूत बनाने में तो उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो हम बोलना चाहेंगे। या कभी शरबत जैसा कुछ भी नमक भी घोल के पिया होगा पानी के साथ उनको भी शर्मा जाएगा। तो चलो देखो,
जब शरबत बनाते होगे बच्चा लोग, एक गिलास पानी ले लिया हमने, एक गिलास पानी लिया, इसमें एक चम्मच शक्कर डाल दो, डिजॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। दो चम्मच कर दिए, तीन कर दिए, चार भी कर दिए तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा भाई, चार चम्मच के बाद कुछ डालोगे तो उस समय वो शक्कर डिजॉल्व शायद कम हो या ना के बराबर हो, उतनी डिजॉल्व ना हो, मतलब पांच छह चम्मच डाल लो तब वो डिजॉल्व होगा क्या पूरी तरह से? नो सर, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। एक कंडीशन आएगा अब बहुत सारा शक्कर डाल दिए, मतलब ठीक है ना, दस बारह चम्मच, दस बारह तेरह चम्मच शक्कर डाल दिया, तब वो तो पक्का है कि डिजॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है? ये तीन फेज दिखता होगा सबको, ऑब्जर्व किए ये तीनों फेज। यस सर। पहले चम्मच डालो जल्दी से घुल जाएगा, जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, पहला चम्मच जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है, दूसरा भी तीसरा भी, लेकिन जैसे जैसे चम्मच बढ़ाते जाओगे, शक्कर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो वो डिजॉल्व धीरे होने लगेगा, और एक समय आएगा कि भैया डालते जाओ तुम, वो बोलेगा नहीं डिजॉल्व होंगे तो नहीं होंगे, ऐसा वाला बात आ जाएगा, शक्कर मना कर देगा, बोलेगा नहीं डिजॉल्व होगा मैं, जा ऐसा सिचुएशन आता है भाई। यस सर, तीन तरह का फेज है, इन्हीं तीन फेज के हिसाब से सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है। तो जब तक बिना मेहनत के शक्कर उठाए पानी में डाल दिया, डिजॉल्व हो गया पहला चम्मच दूसरा तीसरा, बिना कोई मेहनत के डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसे? अनसेचुरेटेड। अब मेहनत करना पड़ रहा है, या तो इसको हीट करोगे या फिर इसको घुमाओगे हिलाओगे तब वो डिजॉल्व होगा, ठीक है ना भाई? चम्मच लेके इसको लगाया पड़ेगा, ऐसे गोल गोल घुमाया पड़ेगा, तब जाके डिजॉल्व हो रहा है, और हीट कर लिए, चम्मच घुमा लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है, शक्कर डिजॉल्व हो ही नहीं रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? ये सैचुरेटेड। और लास्ट वाले क्या कह रहा है? सुपर सैचुरेटेड। तो समझ में आया, जब बिना हीट के या फिर कोई भी फिजिकल एफर्ट के अगर कोई सॉलिड डिजॉल्व होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में भाई एक ऐसा कंडीशन है, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का बीच का कंडीशन है, जहां से और कोई सॉल्यूट ज्यादा डिजॉल्व हो सकता है। याद रखना इसका डेफिनेशन थोड़ा सा घुमाने वाला है। सैचुरेटेड कहता है एक ऐसा पॉइंट है सॉल्यूशन का जब उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिलाओगे, ऐसा पॉइंट है सॉल्यूशन का जब सॉल्यूट मिलाओगे तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना? तो उसको शायद गर्म करो या फिजिकल एफर्ट लगाओ तब डिजॉल्व होगा। बट सुपर सैचुरेटेड में भाई एकदम थेटर हो गया है, हर टाइप का, मतलब क्या बोला जाए, मतलब बदतमीज टाइप का सॉल्यूशन, मतलब उसमें डाल रहे वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, तब उसे बोलते हैं क्या? सुपर सैचुरेटेड। तो समझ में आया भाई? यस सर। जब सॉल्यूट, व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve, तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे भैया? सुपर, अच्छा पर डेफिनेशन ही कर देते हैं, तो सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्लियर है, चलो डेफिनेशन ही नोट कर लेते हैं बढ़िया से, तो नोट करना सुपर सैचुरेटेड द सॉल्यूशन इन विच the solution in which extra amount of solute dissolve easily or rapidly, then
solution is called unsaturated solution. The solution in which extra amount of solid dissolve easily or rapidly, the solution is called unsaturated solution. The solution in which extra amount of solute cannot dissolve at room temperature, but dissolve after heat, then solution is called saturated solution. Our last point is when the extra amount of solute cannot dissolve at any temperature, then solution is called supersaturated solution. तो जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होते जाएगा तो अनसैचुरेटेड, एक समय आएगा डिसॉल्व होने बंद, लेकिन तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हीट कर रहे तो डिसॉल्व हो गया तो सैचुरेटेड। अब कुछ भी कर लो भाई, अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, गर्म कर लिए, हीट कर लिए, गोल गोल घुमा लिए सॉल्यूशन को, फिर भी नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। जैसे पानी में रेत मिला तो भैया रेत को गर्म कर लो, कितना भी रेत पानी में डिसॉल्व होगा, ज्यादा गर्म होगा प्राइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, रेत को पानी में डाल दो तो डिसॉल्व होगा बच्चा? नो सर, गर्म करोगे तो रेत तो वैसे ही रहेगा, पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, लेकिन रेत मजा ले कि रेत डिसॉल्व हो जाए? नो सर। हाँ, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है बच्चा, जैसे बना रहे हो तो वो अनसैचुरेटेड में डिसॉल्व करते जाते हो जाता है। अब शक्कर का शरबत के बाद चाशनी बना रहे हो, तो चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई, पानी में मतलब डाले शक्कर, डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसको गर्म करने लग गए, हीट करने लग जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हीट करने के बाद वो डिसॉल्व होता है कि नहीं होता भाई? अब किचन में गए होगे तब ना पता होगा भाई, या कभी देखे होगे तो हीट करने के बाद वो डिसॉल्व होने लग जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। लेकिन हीट नहीं करते तो डिसॉल्व नहीं होता भाई, समझ में आया? तो ये एक मिडिल फेज है सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बीच। जब तक डिसॉल्व होते जाता सैचुरेटेड एक ऐसा समय आ जाता है डिसॉल्व होना बंद, उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड। लेकिन हाई टेम्परेचर करोगे तो डिसॉल्व हो जाता है वहां पे भी, बट एक कंडीशन ऐसा कि कुछ भी कर लो भाई, उसके सामने हाथ जोड़ लो, पांव पकड़ लो, घुटने बैठ जाओ, नाक लगड़ लो, लेकिन सॉल्यूट टस से मस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा, तब उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ तक कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है सब पूछ लो बच्चा लोग। सर हाँ सर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हमने सॉल्वेंट ऐड कर दे तो सर तो तब तो मिक्स हो जाएगा? अब भैया सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो बात अलग है ना, अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फिक्स उसमें डाल रहे हो तो सॉल्यूशन फिक्स रहेगा ना भाई, तुम अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट कम ज्यादा थोड़ी कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूट चेंज कर रहे हैं ना, डेफिनेशन में सॉल्वेंट थोड़ी चेंज कर रहे हैं, तो फिर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हो गई नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कब है बोल सकते हो, सॉल्वेंट का अमाउंट या सॉल्यूशन का अमाउंट कॉन्स्टेंट रहेगा तो ठीक है कि नहीं ठीक है, ये फिनोमिना समझ में आ गया भाई, ये कौन सी बला है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड।
तो शक्कर का शरबत बना लिए तो कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड। चाशनी बना लिए तो कौन सा सॉल्यूशन? उल्टा बोल दिए, शक्कर का शरबत बना लिए तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। चाशनी बनाने लग गए तो सैचुरेटेड। अब रेत पानी में डाल दिया तो सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बनता है तो वहां प्रेसिपिटेट बनता है। डिसॉल्व नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा ना बच्चा? यस सर। चलो देखते हैं, इसमें नोट कर लो। इन दिस टाइप सॉल्यूशन, इन दिस टाइप सॉल्यूशन PPT occurs. PPT मतलब क्या हो गया बच्चा? Precipitate. PPT occurs. This type solution PPT occurs. Note कर लिए? तो इसमें एक छोटा सा नोट करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। फुट नोट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक डाटा दिया होगा जिससे आईपी निकाल लो या डायरेक्ट दिया होगा। आईपी मतलब आयोनिक प्रोडक्ट चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट को मैं शॉर्ट में आईपी बोलूंगा, ठीक है ना भाई? केएसपी का रिलेशन, आईपी इससे लिखते हैं। नोट फर्स्ट, आयनिक प्रोडक्ट शॉर्ट बोलते हैं आईपी का केएसपी के साथ रिलेशन, आईपी केएसपी, आईपी केएसपी। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट को कौन डिफाइन कर सकता है बच्चा? जैसा नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है, बता सकते हो डेफिनेशन? प्रोडक्ट में आयंस मिलेंगे शायद। आयंस का प्रोडक्ट, ठीक है ना? सॉल्यूशन में आयंस होंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? आयनिक प्रोडक्ट। लिखवा देंगे उसका अलग से। अगर ये समय तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ये हो तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। एकदम अच्छे से याद रख लेना बच्चा ये। सुपर सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है? No more extra amount of compound dissolve. और dissolve नहीं होगा तो क्या बनेगा भाई? Precipitate occurs. ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई? Solution is unsaturated. Solution unsaturated है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा? Extra amount of solute dissolve. Third point क्या बनेगा? Precipitate is not form.
तो नोट कर लो भाई ये रिलेशन, एकदम दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन नोट करो बच्चा। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.002 नॉर्मल एसिटिक एसिड एसिड इफ अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इज 2.3%? करो सॉल्व। मेरा तो ए आया, ए ही करेक्ट आंसर है। चलो देखो पीएच पूछा है तो क्या पता होना चाहिए बच्चा लोग, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। तो बेटा एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 2.3 दिया है मतलब 100 से कम है मतलब वीक है, तो क्या करोगे? सी अल्फा होता है भाई, सी का वैल्यू 2 × 10⁻³। एसिटिक एसिड है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम होंगे कि कैन फैक्टर सेम है, ठीक है ना। अब अल्फा 0.023 100 से डिवाइड करोगे ना भाई, 2.3 डिवाइडेड बाय 100 कितना का 0.023। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया ये, या इसको बोल सकता हूं 0. चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो 2 × 10⁻³, 2.3 × 10⁻² कितना हो जाएगा बच्चा ये 4.6 × 10⁻⁵। अब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन है, ठीक है ना भाई। अब क्या करोगे इसका पीएच निकालोगे, तो 5 − log 10 तो 4.6 है वो। हाँ 4.6 है, तो पीएच निकालोगे तो 5 − log 4.6। log 4.6 का वैल्यू कितना होता है, log 4 का वैल्यू 0.6010, log 5 का वैल्यू 699 मतलब अप्रोक्स 7.7 मतलब दोनों के बीच का ही होगा भाई। कितना ले ले 72 माइनस 0.67 कितना आया log c का वैल्यू, ये वो अल्फा, ये वो 4.6 5 × 4.6 0.6 कितना लो है 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 के आसपास, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा ये कम ही रखना था, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4. कितना हो जाएगा यार यहाँ से 355 5 जब इसको सॉल्व करो तो यही मिलता है, मिलता है ना बच्चा लोग। तो इस तरह से सॉल्व करना था, कर लोगे सॉल्व। चलो देख लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट, बाबा बोल रहे थे आयनिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं, बोल तो दिए हैं बट फिर भी अलग से डेफिनेशन।
आयनिक प्रोडक्ट. तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एयर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन in the solution at any concentration is called ionic product. So ionic product kya matlab hai, for example first MgOH twice ye tutega to kaun sa ion dega bachcha Mg2 plus 2 times of OH ion. IP का वैल्यू क्या होगा इसका आयनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन किसका आयंस का इसको क्या बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट. वैसे AlCl3 का आयनिक प्रोडक्ट बोलूं तो टूटेगा तो Al3+ मिलेगा 3 टाइम्स Cl मिलेगा. इसका IP का वैल्यू क्या होगा जो कि स्पीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का वही है ना. तो क्या मिलेगा बताओ कंसंट्रेशन कौन सा है आयन का एल थ्री प्लस सी एल थ्री माइनस. स्टोइकोमेट्रिक कहाँ जाता है बच्चा पावर में. तो क्लियर है आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा. तो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन का किसका कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई आईपी. हाँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईपी. क्लियर है. ये था आयनिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे. आज की सेवा यहीं पे करेंगे समाप्त.